प्रतिबंधित प्लास्टिक के कारोबार में लगे विक्रेताओं के खिलाफ नगर निगम द्वारा व्यापक रूप से कार्रवाई की जा रही है और ऐसे दुकानदारों से लाखों रुपए जुर्माना वसूल किया जा चुका है। प्रतिबंधित और सिंगल यूज प्लास्टिक की जब्ती बनाने उसके थोक विक्रेताओं पर कार्रवाई करने नगर निगम द्वारा सभी जोन में अलग अलग टीमें गठित की गई है। ऐसे व्यापारियों से जुर्माना वसूल करने के साथ भविष्य में प्रतिबंधित प्लास्टिक पाए जाने पर वैधानिक कार्रवाई की चेतावनी भी दी जा रही है। बहरहाल निगम के लगातार प्रयासों के बावजूद शहर के सभी साप्ताहिक बाजारों से प्रतिबंधित पॉलिथीन का खुलेआम उपयोग होते देखा जा सकता है। अभियान की जानकारी नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी पीसी सारवा ने न्यूज टीम को दी है। सिंगल यूज प्लास्टिक और प्रतिबंधित प्लास्टिक को लेकर लगातार नगर निगम प्रशासन जो है वो कार्रवाई अभियान जारी रखा हुआ है। अलग अलग जोन क्षेत्र में अलग अलग टीम बनाकर प्रतिदिन कार्रवाई की जा रही है, चाहे प्रतिबंधित प्लास्टिक हो, सिंगल यूज प्लास्टिक हो, दुकानों में, ठेलों में, गुमटियों में, सभी जगह जाकर निगम प्रशासन की जो टीम है माननीय आयुक्त महोदय के निर्देश पर छापामार कार्रवाई कर रही है, उनसे जुर्माना भी वसूला जा रहा है। अभी तक जो प्रतिबंधित प्लास्टिक को लेकर जो कार्रवाई की गई है लगभग 8 लाख रुपये जुर्माना वसूलने की कार्रवाई हो चुकी है और प्रतिबंधित प्लास्टिक को जब्त भी किया जा चुका है। यह अभियान लगातार जारी है, दिन के अलावा ज़्यादातर रात्रि में भी जो हमारे निगम प्रशासन की टीम है वो जाकर छापेमार कर रही है।